अर्थराइटिस या गठिया की समस्या से भारत में काफी लोग पीड़ित हैं। इस बीमारी से जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन आ जाती है और समय पर इसका इलाज न करवाने से ये बहुत गंभीर बन सकती है। लेकिन आप कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से इसके असर को कम कर सकते हैं, तो आज हम एक्सपर्ट से ऐसी ही कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसमें सुबह उठ के स्टिफनेस रहती है या धीरे धीरे अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो जोड़ों में अकड़न हो जाती है और जोड़ों में आर्थराइटिस बढ़ जाती है, जिससे कि जोड़ स्टिफ हो जाते हैं। और आज हम बात करेंगे हाथ, कंधे और एल्बो की कुछ एक्सरसाइज के बारे में। तो मेरे साथ डॉक्टर आफिया है, ये बताएंगे कि हाथों को स्टिफ ना हो और जनरल एक्सरसाइजेस कुछ। सो हेलो एवरीवन, बेसिकली आजकल इस एक्सरसाइज का बहुत मोटिव इसलिए भी है क्योंकि 1 मिलियन ऑफ केसेस पर ईयर इन इंडिया इस अर्थराइटिस के कॉमनली आ रहे हैं। सो देखने में ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बट द वन हु इज सफरिंग, जिसको हो रहे जोड़ों में दर्द है, उन सब के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे ये आगे की डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली ऑलवेज स्टार्ट, जब भी शुरुआत करें तो थोड़ी सी माइल्ड स्ट्रेचेस से करें, और स्ट्रेचेस सबसे बेटर ये है कि खिंचाव उससे दें कि अपनी बॉडी वेट के थ्रू। तो या तो किसी दीवार पे या किसी एक टेबल पे हाथ रखिए, पूरे फिंगर्स पे इसको प्रॉपर स्ट्रेच देना है, कोई भी डिफॉर्मिटी डेवलप ना हो पाए। दूसरी चीज है स्माइली बॉल, अगर आपके पास जेल वाली बॉल हो, रबर बॉल हो, जो भी हो, उससे कम से कम दिन में 100 बार इसको स्क्वीज करना है हर तरह से, जैसे पर्टिकुलरली इस लेवल पे, देन इस ग्रिप के साथ भी स्क्वीज करना है, एटलीस्ट 100 times तो होना चाहिए इजीली। घर पे बच्चों की क्ले हो या फिर आपके पास आटे का टुकड़ा, आप कुछ भी लेके एक इसको क्ले टाइप बना के उंगलियों के बीच में रखिए, बिल्कुल सीधा रखिए, इसको दबाने की अच्छे से कोशिश करेंगे, हर उंगली के बीच में रख के कोशिश करेंगे अच्छे से दबाने की। फिर उसके बाद आप ये लेके पिंच, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हम कुछ उठा नहीं पाते नॉर्मली, तो आप इसके थ्रू पिंचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आटे से या क्ले, बच्चों की क्ले हो उसको यूज कर सकते हैं। घर पे रबर बैंड है, उसको एक प्रॉपरली लगा के हाथ में उसे फंसा के इसको खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। इसको भी आप 15 से 20 बार आसानी से कर सकते हैं। किसी चीज पे एक पर्टिकुलरली हार्ड टेनिस बॉल लेके अपने हाथ को ऐसे रखे और इस पे प्रेशर देने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी पाम की जितनी भी मसल्स हैं एक बार एक्टिवेट हो जाए। एक छोटी सी बॉटल लेके, आधा लीटर की लेके, ऐसे टेबल पे रख के उसको हल्का हल्का सा उठा के उठाने की कोशिश करनी है, फिर उल्टा घुमा के भी हल्का सा उठाने। ये एक्सरसाइज भी अगर आप दिन में 2 बार 15 से 20 की रेपिटेशन के साथ कर देते हैं, ये प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं और आपको बेसिकली दर्द से भी आपको बचा सकते हैं। तो अर्थराइटिस के रोगी इन व्यायाम को करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं।